हम बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी चीजें हों या पर्सनल। कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। आपको बता दूं कि अक्सर हम सुनते हैं कि लोग किन्हीं दो स्टार्स के रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं। वो अपने फेवरेट स्टार्स को साथ में शिफ्ट भी करते हैं। हेलो, मैं हूँ दीक्षा सोनी और आज हम बात करेंगे ऐसे दो स्टार्स की जिनकी लव लाइफ के चर्चे अब पूरे देश में हो रहे हैं। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ अनन्या पांडे की, जो अपने आप को अनन्या कॉय कपूर कहना पसंद करती है, और उनके नाइट मैनेजर जिनसे इनकी आशिकी के चर्चे जोरों शोरों पर हैं, आदित्य रॉय कपूर की। इन दोनों की डेटिंग र्यूमर्स यूं तो पिछले साल सितंबर से ही आने लगी थी। यही नहीं, र्यूमर्स आने के बाद कुछ फैंस ने कहा कि ये सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हैं, तो कुछ का कहना था कि ये सिर्फ एक फ्लिंग है। लेकिन अब जब दोनों काफी बार कई सारे इवेंट्स में, पार्टीज में साथ स्पॉट हुए, तो लोगों को लगने लगा कि ये अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस है। इनके रिलेशनशिप की बात तब सामने आई थी जब ये साथ में मैड्रिड में आर्टिक मंकीज के कॉन्सर्ट में देखे गए। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद ये एक साथ रोमांटिक यूरोपियन टूर पर भी गए। कुछ छोटे मोटे हिंट्स जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन्होंने कहीं ना कहीं अपने फैंस को अपने रिलेशनशिप के बारे में काफी हिंट्स दिए हैं। वहीं आपको बता दें, हाल ही में नेहा धूपिया के चैट शो नो फिल्टर विद नेहा में अनन्या पांडे आई और बातों ही बातों में उन्होंने आदित्य रॉय कपूर को लेकर ये कहा कि हमारे बीच जो है वो दोस्ती से ज्यादा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी चैट शो में ऐसा कुछ कहा है। कॉफी विद करण में भी आदित्य ने अनन्या के बारे में कहा था कि अनन्या उनके लिए जॉय है। इससे पहले भी कुछ टाइम पहले ये खबरें आई थी ये दोनों शादी करने जा रहे हैं, लेकिन दोनों ने ही इस बात पर कुछ भी नहीं कहा। बहरहाल जो भी हो, ऐसा लगता है हमारे लव बर्ड्स अपनी डेटिंग टाइम को अभी इंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल बस इतना ही, ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।